ये जो पेपर्स पे तुमने कल साइन करवाया ना, उसमें मॉल की पार्टनरशिप नहीं, पंड्या स्टोर तोड़ने का फरमान था। मुझे अपनी झूठी बातों में उलझा के, डेट के वादों में उलझा कर मुझसे साइन करवा ली। ये पेपर ढंग से पढ़ने भी नहीं दिए। धवल, एक इंसान इतना कैसे गिर सकता है? लेकिन एक तुम जो हर लेवल को पार करके निकल जाते हो, ये सब होने के बाद भी तुम रुके नहीं, इतना बड़ा मुझे धोखा दे दिया, फिर भी डेट पर लेकर गए। बाबत पूरी जिंदगी साथ बिताने के सपने दिखाए तुमने मुझे। धवल मकवाना, तुम्हारे पास जमीर नाम की चीज है भी या नहीं? बात अगर जमीर की है तो तुम भी अपने दिल के बारे में पूछो नताशा, तुम्हारे पास दिल है भी कि नहीं है? क्या कल रात तुम्हारे दिल ने कुछ फील नहीं किया? कल रात ही तुम्हें इस ब्रेसलेट के सिग्निफिकेंस के बारे में बताया था ना मैंने, और तुमने भी वादा किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी हालत में मैं और तुम एक दूसरे पर ट्रस्ट करेंगे। फिर आज तुम ये वादा कैसे तोड़ सकती हो नताशा? और हर बार हर सिचुएशन में मैं गलत कैसे हो सकता हूं? तुम गलत नहीं हो। यू वॉन्ट मी टू ट्रस्ट यू? ओके, आई ट्रस्ट यू धवल। बताओ किसने करवाया मुझसे साइन? हाँ, किसने भेजी थी वो फाइल मेरे पास? बोलो धवल, किसने भेजी थी वो फाइल मेरे पास? किसे करवाना था वो साइन? ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारी नॉलेज के बिना मुझसे वो पेपर पे कोई साइन करवा ले। पंड्या स्टोर को तोड़ने की सबसे ज्यादा इच्छा किसकी थी धवल? तुम्हारे अमरीश भाई की ना? लेकिन वो तो कभी गलत हो ही नहीं सकते। गलत तो मैं हूं, मैं पागल हूं। घर के सबसे बड़े अमरीश भाई, नियमों को आदर्शों को बनाने वाले, सबके सबके लिए कानून बनाने वाले, वो गलत नहीं हो सकते। गलत तो मैं हूं ना? तुम्हारे लिए वो भगवान गलत हो सकते हैं, लेकिन अमरीश भाई कभी भी गलत नहीं हो सकते। अपनी आंखों की ये पट्टी खोलो। मैं अगर अभी भी बताऊं तो ये सारा किया कराया तुम्हारे अमरीश भाई का है। लेकिन तुम्हारा दिमाग तो ब्लॉक है ना धवल, तुम एक्सेप्ट नहीं करोगे। तुम कभी एक्सेप्ट नहीं करोगे कि मोर्स की गलती है, तुम्हारे अमरीश भाई की गलती है। बस इनफ नताशा।